नमस्ते नमस्कार सौम्या भाई। पापा। नमस्ते देव। हेलो हैप्पी पापा। महाशिवरात्रि। सोनिया, हैप्पी हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। आप सबको भी नए हमारे मतलब शिवरात्रि का महा शुभकामना। हमारे एनजीओ के चेयरमैन साहब ज्वाइन हो गए फाइनली। चलो, हमने और काम यहाँ स्वर्ग पे मम्मी किया, भी आ गई आपकी तो ब्लेसिंग चाहिए। ऑनलाइन फर्स्ट मीट एनिवर्सरी भी हो गई मम्मी पापा थैंक की। यू, हैप्पी थैंक एनिवर्सरी। यू सो मच। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। थैंक मैं जस्ट बोल रहा था फूड के बारे में। यस। हर एक के घर में मतलब चार पांच लोगों का खाना बनता है, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत खाना बचता ही बचता है। तो जी वो खाना हम लोग मतलब मॉर्निंग में रखते हैं, कोई खाता है, बट कोई ऐसे वेस्ट कर देता है। वो वेस्ट ना करते हो करते हुए अगर किसी को हम लोग डोनेट कर रहे हैं, तो बेचारे का पेट भी भर जाएगा और अपना फूड वेस्ट भी नहीं होगा। और इवन ये तो बात हुई मतलब घर की बात, बट बहुत सारे होटल्स है। फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एरिया में कोई मेंबर अपने को ज्वाइन होता है, उसके एरिया में एक आधा ऐसा रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जो होटल में फूड बचता है 100%। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक होटल में दो तीन लोगों का खाना तो बच ही जाएगा। अगर होटल वाले ने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारे यहाँ पे डेली चार पांच लोगों का खाना बचता है, और वो सिटी में कोई अच्छा मेंबर हमारे पास ज्वाइन हो रहा है, अपने एनजीओ का पार्ट बन रहा है, तो हम लोग उसको टास्क दे सकते हैं, भाई वहाँ पे तीन चार लोगों का खाना बचा हुआ है, प्लीज कलेक्ट इट और ऐसे नीडी लोगों को दे दो। तो करना राइट, कुछ नहीं, ऑफ 5 मिनट का 5 मिनट का काम होगा, बट कितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे। मतलब खाना भी वेस्ट नहीं होगा और चार पांच लोगों का पेट भी भरेगा। कोर्स। राइट, इवन 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 ईयरली हम लोग ऐसे भी टास्क रखने वाले हैं। मान लेते हैं सबके घर में साल में कोई भी कपड़ा, नया कपड़ा परचेस करता ही है, तो पुराने क्लोथ्स होते ही होते सबके घर पे। मान लेते हैं कल को अगर हम लोग 1000 मेंबर एनजीओ के जुड़ गए, अभी मैं अगर पर्सनली देखने जाऊँ, मेरे घर पे चार पांच कपड़ा ईयर में एक्स्ट्रा होता है। मैं पांच कपड़ा भी उसको फेंक मतलब डोनेट कर दू, तो अगर हमारे पास एनजीओ के 1000 2000 मेंबर्स हो जाएंगे, अगर 2000 मेंबर्स मल्टीप्लाई 5 क्लोथ अगर करते, तो ऑफकोर्स 10,000 क्लोथ्स ईयर में हम लोग डोनेट कर रहे हैं। मतलब जितने लोग ज्यादा ज्वाइन होंगे, उतना उतना हम लोग बड़ा बड़े लेवल पे टास्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अप्रैल जी। और मतलब ये हो गया कि जिसको जरूरत से ज्यादा है और जिसके पास नहीं है, वो हम उनकी मतलब बीच में उनका हम सर्विस देके ये एनजीओ इमीडिएट अपना काम करेगा। यस यस। इवन हमने वो भी ऑप्शन रखा, अपना वो भी ऑप्शन रखा हुआ है। मान लेते मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो कोई मतलब ऐसे ही कुछ पैसा मतलब फालतू तो वेस्ट करता है इसमें उसमें फ्रेंड्स बुला पे, हमने ऑप्शंस रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा बर्थडे है और मुझे वो पैसे अच्छे काम के लिए यूज करने हैं, तो मैं 25 लोगों को, 50 लोगों को खाना खिला सकता हूँ। तो हमारी वेबसाइट पे वो भी ऑप्शन है। मान लेते मेरा बर्थडे और मुझे वो सेलिब्रेट करना है, तो मुझे किसी को खाना देना है कोई भी सिटी में, वो मैटर नहीं करता है। कल कल को अगर जब मेंबर्स हमारे पास ज्वाइन होंगे कोई भी सिटी से, हम उनको वो टास्क दे सकते हैं कि मान लेते मेरा बर्थडे है, 50 लोगों को मुझे खाना खिलाना है, तो एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली वो डोनेट करके फिर उसकी सिटी में जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनका आप तक हम लोग खाना पहुंचा सकते हैं। राइट, राइट, ऑफ कोर्स। यस, सबकी ब्लेसिंग चाहिए बस। बस आप सबका सपोर्ट सबको चाहिए। ऑफ कोर्स। महाशिवरात्रि के इस पर्व पे जो आज ओपनिंग है, तो सबको मैं ये बताऊंगा कि ये जो बालवीर का जो कैरेक्टर है देव का, ये मतलब एक टीवी मीडिया तक सीमित नहीं है। मैं उसके डैडी हूँ, इसलिए बोल सकता हूँ कि रियल में बालवीर है और वो किसी की मदद करना चाहता है। अभी टेलीविजन में जो है वो एक, आप सब जानते हैं कि एक स्टोरी है। उसने बताया, पापा मुझे रियल में किसी को हेल्प करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बोला, वहां पे जो शक्तियां दी है वो शक्तियां तो ऐसी है कि तेरे को मतलब एक ग्राफिक से मिलती है, लेकिन अगर ये रियल लाइफ में काम करना है तो सबसे जुड़ना पड़ेगा, सबसे शक्तियां इकट्ठी करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे से कुछ काम कर पाएंगे हम लोग। और उसमें स्वप्निल भाई, और स्वप्निल भाई और पूरा मतलब हैंडल करते हैं, थोड़ा टाइम का वो शेड्यूल रहता है, लेकिन जो भी उन्होंने जो शेड्यूल बनाया और हमने 2-3 महीने से जो मेहनत करके जो खड़ा किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रांसपेरेंसी सबके साथ रहेगी। और आप सब जानते हो जैसे बालवीर है वैसे पूरी ट्रांसपेरेंसी हम काम करेंगे इसमें, और एक सेवा का सबको मतलब लाभ मिलेगा और हम सब साथ में जुड़ के ये सब कर सकते हैं। हाँ मैं D3 फैमिली से 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मतलब बालवीर तो कैरेक्टर है ही है,
बट मैंने भी नोट किया हुआ है कि बालवीर एक्चुअल में रियल बालवीर है. इवन इवन अभी हम लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा जो भी टास्क होता है, कुछ काम होता है, देव कितना भी थक गया हो कुछ भी हो, उसके लिए टाइम निकलता ही, वो बहुत बड़ी बात है. अभी भी देखिए 10 बजे आई थिंक आप लोग घर पे पहुंचे और इस सब के लिए टाइम निकाल रहे हो. इट इज रियली बिग थिंग. और एक्चुअल में सबको मतलब ये बालवीर मतलब देव ये मौका दे रहा है ये वेबसाइट मतलब अपना एनजीओ ओपन करके कि आप लोग भी बालवीर बन सकते हो. छोटा सा ज्वाइन, हाँ ये बालवीर वाला ही काम हो गया ना, लोगों का हेल्प करना. आप बालवीर सब लोग बालवीर तो है, लेकिन आप ये काम में जुट के बन के देखो अपने को खुद को कितना सुकून मिलता है. आप जैसे स्वप्निल भाई ने बताया कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करो, इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करने से अपने को कितना सुकून मिलता है आप एक्सपीरियंस से ही पता चलता है उसका. परसों का ही टास्क है एक एरिया में एक पर्सन रहता है, उसको पैरालिसिस का अटैक आया. He was the only one person जो घर को मैनेज करने वाला है. चार पांच लोग है वहां से होते वहां पे, मतलब फैमिली में है. नो वन इज देयर, मतलब अर्न करने वाला कोई है नहीं. जैसे ही अपने को कॉल आया तो D3 केयरिंग सोशल क्लब की तरफ से उसको 6 मंथ का राशन भी भर दिया एंड उसका मेडिकल का भी पूरा एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं. मंडे से उसका ट्रीटमेंट चालू होने वाला है फिजियो का. सो होप फॉर द बेस्ट, वो 6 मंथ में रिकवर हो जाए ऐसे डॉक्टर ने बोला हुआ है. तो हमारे तरफ से जितना बेस्ट हो रहा है हम लोग कर ही रहे. लोगों का साथ मिलेगा तो और आगे मस्त करेंगे और श्योर मिलेगा. सुनील भाई सबका साथ मिलेगा, सबका साथ सबका विकास. और मुझे पूरा भरोसा है और अपने एनजीओ में ऐसे ऐसे काम करना है कि सबको ऐसा लगे कि भाई रियल एनजीओ कुछ कर रहा है. अभी हमारा स्टार्टिंग है और आप सब हमारे साथ जुड़िए. आपको जुड़ने से मतलब क्या रहेगा कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी. जो सिस्टम बनाया गया आज वेबसाइट में आप सब देखेंगे करने के बाद, लेकिन वो पूरा आपको जानने को मिलेगा कि भाई क्लब क्या काम कर रहा है. हम लोग पूरा ऑप्शंस रखने वाले. फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट अभी आप विजिट करोगे ना, हम लोग अभी मतलब देव बोलेगा वेबसाइट का डिटेल्स शेयर करेगा तो वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स. फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ डोनेट कर रहे हो तो एक्सवाइजर अमाउंट अपने पास आया हुआ है तो उस अमाउंट को हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज किया हुआ है, कितना यूज किया हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंसी रहेगा. मतलब कैसा सब एवरीवन कैन नो कि हमारे पैसे कहाँ पे यूज हो रहे हैं लाइक दैट. सो अपनी वेबसाइट देव बता दो आप तो लोग अभी जाके विजिट. यस D3CaringSocialClub.com ये हमारी वेबसाइट है और आप गूगल क्रोम पे लिखेंगे या फिर गूगल पे जाके हमारे वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप हमारे बारे में कुछ भी जान सकते हैं और जैसा हमने कहा कि डोनेट कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और साथ ही साथ हमें कॉन्टेक्ट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं कि हम इस एनजीओ को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं. कोई भी सिटी में फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का आगे का प्लान क्या है अभी जितने भी मेंबर्स होप्स हो के ज्वाइन होंगे, फॉर एग्जांपल गुजरात से, अहमदाबाद से या फिर चेन्नई से 10 मेंबर्स ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको हम लोग टास्क देंगे और मेंबर ज्वाइन करें. 100 मेंबर होने के बाद 100 इज अ बिग नंबर. फिर हम लोग उनको पूरे टीम में एक टास्क देंगे, हम लोग भी टाइम मिलके वहां पे विजिट करने जाएंगे और कोई भी मतलब एक इवेंट टाइप कुछ रख सकते हैं. अभी हैदराबाद में तो बहुत चल रहा है. एक कोई बंदा है मैंने कल ही उसके बारे में देखा था, वो रस्ते पे जो भी लोग पड़े होते हैं ना उनको उठा के लेके जाता है, उनको पूरा नहला के धुला के नए कपड़े पहना के मतलब उसको पूरा नया लाइफ दे रहा है. मतलब रस्ते पे उठा के, हाँ लाइक दैट. तो हम लोग उनको उन मेंबर बनने के बाद उनमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लाइक दैट ऐसा कॉन्सेप्ट. तो होप फॉर द बेस्ट, सबका सपोर्ट मिलेगा. बाकी D3 का दोनों हमारे बड़े मेंबर्स का आशीर्वाद है ही है. वो तो है ही, बस सबका सपोर्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा. पॉजिटिव काम है सब करेंगे और सब ज्वाइन होते होंगे. डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि बालवीर जो है, बालवीर का जो टास्क है बालवीर का फुल सपोर्ट है. जी अभी लाइव कोई मतलब देव बात करना चाहता है या फिर इसको मैसेज है तो इसके लिए आप कौन है और देख लेना जरा प्लीज. यस मैं D3 केयरिंग सोशल क्लब के पेज से अब लाइव जा रहा हूं तो वहां पे हम थोड़ी बातें करेंगे और मैं इस वेबसाइट के बारे में और बताऊंगा आपको. मिलता है. ओके टेक केयर, लव यू ऑल.